जब भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज की जाती है तब एक चीज की तलाश जरूर होती है और वो है जल। क्योंकि पानी जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जहां इंसान शायद 20 दिन तक बिना खाए जीवित रह सकता है वहीं जल के बिना उसका 3 दिन भी रहना मुश्किल है। जल की इस महत्ता के बावजूद आज भी भारत में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वहां बसे लोग प्रतिदिन पानी जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की आधारभूत जरूरतों को पूरा कर सकें। हर दिन कठिन परिस्थितियों में मीलों के लंबे सफर के बाद पर्याप्त एवं स्वच्छ जल को संचित करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। किसी को बाल्टी देकर किसी को कैंदी देकर ले जाना, 4-5 बजे लियाना पैना, चढ़ाई चढ़ना उतरना लियाना पैंदा था 1.5 मील के पानी। बिना पानी दे क्या गुजारा होना था, नहीं हुंदा था। सारी रात ही मतलब साड़ी इसी बॉडी दे ऊपर गुजर जांदी थी। ठीक है जी, एदां दा समां देखिया। इसीलिए आज के प्रगतिशील भारत में कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है हर घर नल से जल। इस मुहिम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर जल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल जीवन मिशन एक सुनियोजित कार्य प्रणाली पर आधारित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत नए जल के स्रोतों को विकसित करने के साथ साथ मौजूदा जल के स्रोतों का नियमित रखरखाव और हर घर में पाइपलाइन द्वारा जल पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित पद्धति से विकसित करने का प्रावधान है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने एक अग्रिम भूमिका निभाई है, जहां पहाड़ी और दुर्गम भूखंड, अप्रत्याशित बदलते मौसम जैसी कई चुनौतियां होने के बावजूद इसे निर्धारित समय 2024 से पूर्व वर्ष 2022 तक पूरा करने का प्रयास कर रही है। हमने नई स्कीम चलाई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें बहुत लिबरल एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिली है और जहां हमें इतना मैसिव काम करना था वहां जेजेएम की गाइडलाइंस में ये क्लियर था कि क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज ना हो। इस मिशन को क्वालिटी के निर्धारित मापदंडों पर कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कार्यभार सौंपा है। हिंदुस्तान में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी सेंट्रली फंडेड स्कीम थर्ड पार्टी असेसमेंट का प्रभाग उस स्कीम का पार्ट, प्रायः ऐसा नहीं होता। और इसलिए हमको ये लगता है कि जिस काम के लिए हम बने थे और जिस काम के लिए हमको स्थापित किया गया था वो शायद पहली बार इस देश में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और यही बेंचमार्क बनने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट चल रहा उस समय उसकी क्वालिटी टेस्ट की जाए। प्रोजेक्ट अगर खत्म हो गया और उसके बाद आप क्वालिटी टेस्ट करते हो तो आप बदलोगे कैसे। QCI की अनुभवी मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं अन्य परिभाषित तकनीकी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कर रही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो असेसमेंट होता है उसके कई सारे पहलू, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इंस्पेक्शन। हम प्रायः जाकर के जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये देखते हैं मटेरियल, आदमी, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो सही चीजें इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हमने 3 सर्कल दिए हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया क्योंकि ये प्रोफेशनल एजेंसीज हैं और ये पहले से ही क्वालिटी को देखती हैं और साथ में किस तरह से टेस्टिंग हमारी जरूरी होती है, किस तरह से हम जो है इन प्रोग्रेस जो वर्क होते हैं उसमें हमारी मदद करी है। लोकल अथॉरिटीज के समन्वय से लेकर जांच समय निर्धारित करना, आधुनिक यंत्रों द्वारा साइट का समय समय पर निरीक्षण तथा डॉक्यूमेंटेशन कर विशेषज्ञों द्वारा उन रिपोर्ट्स का विश्लेषण करना QCI के मुख्य कार्यों में सम्मिलित हैं। जहां QCI की एक टीम स्थानीय स्तर पर ऊना क्षेत्र से काम कर रही है,
वहीं एक खास विशेषज्ञों की टीम QCI के दिल्ली हेड ऑफिस से नवीनतम तकनीक जैसे जियो टैगिंग द्वारा विभिन्न स्थानों पर हो रहे कार्यों का नियमित विश्लेषण एवं समीक्षा करती है, जिससे कोई भी होने वाली त्रुटियों को ठीक किया जा सके। इसके फलस्वरूप आज हिमाचल में इस योजना के तहत हो रहे कार्य व्यवस्थित और संगठित हैं। क्वालिटी को कैसे इंश्योर करना है, जब हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो क्वालिटी काउंसिल वाले डेलीगेट्स हैं वो हमें टाइम टू टाइम रिमाइंड करते हैं, जैसे कंक्रीटिंग करनी है, कोई शटरिंग करनी है, कोई बीच में लूप होल्स रह जाते हैं उसको हम एक तरह से रिमूव कर लें। हिमाचल प्रदेश सरकार के इन्हीं अथक प्रयासों की वजह से आज पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 45% से बढ़कर लगभग 93.5% तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि में QCI ने एक अहम भूमिका निभाई है और आगे भी इस मिशन को समय सीमा में पूरा करने के लिए जल शक्ति विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन में हमने न केवल लोगों को पानी प्रोवाइड किया परंतु क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसमें हमने न केवल हर विलेज तक जो है वो FTK दी गई ताकि लोग अपने पानी की क्वालिटी की जांच खुद कर लें, और साथ में एक बहुत बड़ा जो है एक NABL एक्रेडिट लेबोरेटरीज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। इस प्रयास से क्या होने जा रहा है, सोशल फैब्रिक इस देश का कैसे बदले, जो घर की महिलाएं बच्चियां दूर दूर तक अपने सिर पे घड़े लेकर के पानी लेकर के आती थी, कल को उनके घर के अंदर पानी पहुंचेगा। इस योजना के चलते आज हिमाचल प्रदेश के जनमानस में स्वच्छ जल, उसके संरक्षण तथा प्रदूषण को लेकर जागरूकता की एक नई लहर है। सबसे मुश्किल होता है लोगों का बिहेवियर चेंज, लोगों का एटीट्यूड चेंज करना किसी भी चीज को लेके। कम से कम 80% डिसीजेस जो हैं वो अशुद्ध पानी की वजह से होती हैं। अब वो अपने खून की जांच करवाने से पहले अपने पानी की जांच करने के लिए जो विभाग ने NABL एक्रेडिटेड लैब्स खोली हैं वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस खुशी का एहसास अब उनके चेहरों पर साफ झलकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कठिनाइयों भरे दिन अब पूरे हो चुके हैं और आने वाला कल उन्हें जीवन के इस महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित नहीं रखेगा।